सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ICSE इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे यहाँ पर तुम ग्रामर पोर्शन पार्ट जो है उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू नो, अगर तुम्हें यहाँ पर पूरा पैटर्न पता है, अगर तुमने ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर गो थ्रू किया है जो कि लेटेस्ट वाला है 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सो यू मस्ट बी नोइंग कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो रहता है इसमें यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, सो लेट्स डिस्कस इन शॉर्ट यहाँ पर तुम्हारा जो पैटर्न रहता है इस तरीके से रहता है कि पहला क्वेश्चन तुम्हें कॉम्पोजिशन मिलेगा, दैट इज योर एसे राइटिंग, जो कि तुम्हारा यहाँ पर 20 मार्क्स का होता है। सो 20 मार्क्स तुम्हारा एसे राइटिंग कैरी करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा यहाँ पर क्या रहता है, लेटर राइटिंग, जिसमें कि अगेन दो ऑप्शन मिलता है एसे राइटिंग में। कॉम्पोजिशन राइटिंग में 5 ऑप्शन रहता है इंक्लूडिंग द पिक्चर, जो कि तुम्हारा पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन रहता है, उसको मिलाकर यहाँ पर टोटल 5 ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेटर राइटिंग रहता है, दो उसमें से तुम्हें एक चूज करना पड़ता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का एक एक टॉपिक रहता है, तुम्हें चूज करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर मिलता है तुम्हें नोटिस एंड ईमेल, जो कि 5 मार्क्स का रहता है। और क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 में यहाँ पर तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 से तुम्हारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है। तो ग्रामर पोर्शन देखो ओवरऑल 20 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 का जो सब पार्ट 4 क्वेश्चंस रहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो जो पहला क्वेश्चन रहता है यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन रहता है, फिल इन ईच नंबर्ड ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया रहता है, जीरो करकर वहाँ पर एक एग्जांपल रहता है, उसको तुम्हें कैसे डील करना है। सबसे पहले तुम्हें टेंस देखना है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। आंसर ऑलरेडी दिया रहता है जो एग्जाम्पल पोर्शन रहता है, तुम्हें उसको गो थ्रू करना है और वहाँ पर जो टेंस स्टार्टिंग में यूज हुआ है, जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे, वो एग्जाम्पल के बेसिस पे वही टेंस में तुम्हें पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है। तो टोटल आई गेस यहाँ पर 8 रहता है, देर आर 8 डैश गिवन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। वहाँ पर जो मतलब हिंट रहता है, वो हिंट को यूज कर तुम्हें करना पड़ता है, ब्रैकेट्स के अंदर दिया रहता है वर्ड्स, उसको तुम्हें यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है, 8 रहता है, मतलब एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स करेगा। एक डैश में अगर तुम रॉन्ग लिखते हो, एक आंसर अगर गलत दे रहे हो, सपोज 1 तुमने गलत किया, तो तुम्हारा यहाँ पर कितना मार्क्स जाएगा, हाफ मार्क्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2, रोमन 2 जो रहता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ग्रामर पोर्शन अगेन रहता है, जिसमें कि तुम्हारा प्रेपोजिशन क्वेश्चंस आता है, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन रहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो इसको तुम्हें कैसे डील करना है, यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तुम इसके लिए PYQs फॉलो कर सकते हो, जो भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है वो कर सकते हो, या फिर तुम अपना बुक गो थ्रू कर सकते हो, जो तुम्हारा टोटल इंग्लिश बुक है वहाँ पर काफ़ी सारा एक्सरसाइज है, वो सारा एक्सरसाइज को तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है, या फिर तुम कोई भी ऐसे रेफरेंस के लिए कुछ भी बुक्स देख सकते हो, सैम्पल पेपर्स देख सकते हो, कहीं से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। बेस्ट थिंग रहेगा कि तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, वहाँ पर जो भी है, तुम जितना ज़्यादा यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस को प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज देखो इंग्लिश में सब कुछ अनसीन रहता है, तो अनसीन चीज़ के लिए तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विथ इज़ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। तो तुम यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स लिख पाओगे और यहाँ पर तुम्हारा आंसर भी करेक्ट होगा। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स दिस, यू मस्ट बी नोइंग कि इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करना, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे इंग्लिश में स्ट्रिक्ट चेकिंग भी होता है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, स्पेशली फॉर योर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर रहता है, बोर्ड्स थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर तुम्हारा MCQ टाइप रहता है, 4 ऑप्शन तुम्हें मिलता है, और यहाँ पर कंजंक्शन क्वेश्चन रहता है। तो कंजंक्शन मतलब क्या है, यू हैव टू जॉइन द सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो। सो एंड, बट, सो, ये 3 वर्ड्स को तुम्हें यूज नहीं करना है, और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंसेस ज्वाइन करना है। ऑप्शंस ऑलरेडी दिया रहेगा, तुम्हें सारा ऑप्शंस बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही तुम्हें चूज करना है। देखो काफ़ी लोग यहाँ पर ऑप्शन 1 रीड करते हैं, उन्हें करेक्ट लगता है, वो लोग टिक कर देते हैं, बट तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ABCD जो 4 ऑप्शंस रहता है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से गो थ्रू करना है, उसके बाद ही तुम्हें चूज करना है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहता है, जो ऑप्शंस रहता है, अगर एकदम ही अलग होगा तो तुम डेफिनेटली करेक्ट ही चूज करोगे। इन ऑर्डर टू कन्फ्यूज यू, ट्रिकी क्वेश्चंस रहता है, जहाँ पर कि डिफरेंट मल्टीपल वेज में यहाँ पर आंसर्स लिखा रहता है, तुम्हें बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है, सारा मैचिंग रहता है, तो तुम्हें लगता है कि सारा ही करेक्ट है। तुम फर्स्ट रीड करते हो, तुम्हें लगता है वही करेक्ट है, तो बहुत अच्छे से रीड करना है। तो ये भी तुम्हारा 4 मार्क्स का था, जो तुमने प्रेपोजिशंस किया वो भी 4 मार्क्स का था, 4 + 4 + 4 = 12, 4 × 3 = 12। और लास्टली जो 8 मार्क्स तुम्हारा बच गया, 20 में जो 8 बच गया, वो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा रहता है, रीराइट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। तो यहाँ पर तुम्हारा इंस्ट्रक्शन इसमें रीराइट नहीं करना पड़ता है, अगेन यहाँ पर MCQs में आता है,
है. तो यहाँ पर 8 questions रहता है, एक एक marks का एक एक question रहता है. One question carries 1 marks, जिसमें कि begin with no sooner. ऐसे करके क्वेश्चन रहता है, तुमने डेफिनेटली प्रैक्टिस किया होगा, तुमने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. तो ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सारा ऑप्शंस को रीड करना, उसके बाद ही तुम्हें चूज करना है. और यहाँ पर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ये सारा कुछ इसी टाइप का क्वेश्चंस में इंक्लूडेड रहता है. तो तुम्हें क्वेश्चंस को रीड करना है, बिगिन विथ या एंड विथ क्या लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस. तुम अगेन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू कर सकते हो या फिर अपना बुक भी फॉलो कर सकते हो. और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारा यहाँ पर जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर सॉल्व करना है. बिकॉज ऑब्वियसली देखो क्वेश्चंस ऑब्वियसली सेम नहीं आएगा, बट यहाँ पर तुम्हारा जो पैटर्न है किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा वो तुम्हें पता लग जाएगा. सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आएगा और सिमिलर क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलेगा. एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा लेकिन उससे मिलता जुलता सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन मिलेगा. सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना लेटेस्ट वाला जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए. और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है. बिकॉज लैंग्वेज में ऑब्वियसली सब कुछ अनसीन रहता है, एसे, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सारा टॉपिक्स अनसीन रहता है. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी अनसीन रहता है और ग्रामर पोर्शंस भी अनसीन रहता है. तो ये सारा चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर सारा फॉर्मेट्स पता होना चाहिए, लेटर का, इनफॉर्मल का, फॉर्मल का, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट. तो ये सारा चीज़ का फॉर्मेट देखना है. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. इफ़ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस में 20 में से एटलीस्ट 18-17 ला पाओगे. तो अच्छे तरीके से ये सारा चीज़ को फॉलो करना. और साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो कि YouTube पर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें, ताकि तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाए ग्रामर पोर्शंस का फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज, तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.